अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, स्टिच टॉक में आपको वेलकम है। वीवर्स, आज मैं आपको बेबी की फ़्रॉक बनाना बता रही हूँ। ये मेरे पास बिल्कुल वेस्टेज कपड़ा था, उसके साथ मैं आपको दो तीन पीसेस अटैच करके मैं इसकी जो है आपको फ़्रॉक बनाना बताऊँगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, ये मैंने जो है इसकी, ये मेरे पास एक अलग सी पट्टी पड़ी थी, इसको मैंने इसके साथ कंट्रास्ट कर लिया। और ये मेरे पास जो था कपड़ा, जो साइडों से शर्ट से उतरा हुआ था, बिल्कुल वेस्टेज था मेरे पास, मैंने उसको तीन जोड़ डाल के, एक ये मेरे पास जोड़ डाला, एक ये जोड़ डाल के ये मैंने इसकी फ्रॉक की जो है पेटी बनाई है। बैक साइड पे फ्रेंड्स मैं डिज़ाइन बनाऊंगी आज, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए मैंने ये जो पट्टी ली है, इसको मैं इसकी जो है एक इस साइड पे और एक इस साइड पे लगाऊंगी। लगाने के बाद इन दोनों को इस तरह से यूं दरमियान में ले आऊंगी, और यहाँ से जो नीचे वाला जो कपड़ा मेरे पास, वो यहाँ से मैं खोल दूंगी और इस जगह पे डिज़ाइन आएगा। हम पट्टी लगाते हैं फ्रेंड्स। इस पट्टी का आपने ये बस ख्याल करना है, इस तरह से मैं कर रही हूँ कि इसकी ये जो डिज़ाइन आ रहा है वो इस तरह से आए। हम नाप के इसको काट लेते हैं पहले। इसको इतना अंदर की साइड को फोल्ड करके, सॉरी फ्रेंड्स, इसको हम पहले सबसे पहले उल्टी साइड से रख के सिलाई लगाएंगे। इसके बाद इस तरह से लगा लेने के बाद अब हम इसको ऊपर की साइड को इस तरह से ले आएंगे। एक सिलाई हम इस तरफ लगाएंगे और एक इस साइड को फोल्ड करके लगाएंगे। फ्रेंड्स, आपके पास इस तरह की कोई पट्टी नहीं पड़ी हुई, आप बिल्कुल कंट्रास्ट में सेम कलर लेके, कंट्रास्ट के साथ सॉरी जो भी कलर आपका आता है वो लेके ये सिंपल पट्टी भी आप लगा सकते हैं। आपको अगर इस तरह से लगाना मुश्किल लगे कि हम इसको चिप्स के साथ ज़्यादा सफाई के साथ लगाना चाहें अगर आप, तो आप एक इंच की, सवा इंच की, जितनी आपको मुनासिब लगे या इससे भी कम अगर आप करना चाहें तो करके, पहले आप उसकी चिप्स काटिए, काटने के बाद उसको इस कपड़े के साथ पेस्ट कीजिए इस्त्री की मदद से। पेस्ट करने के बाद फिर आप उसको इस तरह सेम इसी पैटर्न के साथ आप उसको इस पे लगा लीजिए। इस तरह से ये एक साइड की जो पट्टी है वो मैंने लगा ली है। मैं इसकी किनारे पे इसलिए सिलाई नहीं लगा रही क्योंकि मुझे इस पर डिज़ाइनिंग करनी है, और डिज़ाइनिंग करने के लिए मुझे इस जगह पे दोबारा से सिलाई लगाना पड़ेगी तो वो सिलाई बुरी लगेगी। हम सेम इसी तरह से इसके इस तरफ भी, इसकी दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से पट्टी लगा लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स, ये मैंने जो है पट्टियाँ बना ली थी, इस तरह से देखिए मैंने जो है ये गला इधर ऊपर से कटिंग कर लिया। अब फ्रेंड्स, हमने इसके बीच में इतनी इतनी सी स्पेस छोड़नी है। स्पेस छोड़ने के बाद हम इसके अंदर ये जो है इस तरह पट्टी बना के हम इसके अंदर लगाएंगे। यूँ यहाँ पे तीन से चार जो हैं यहाँ पे पट्टियाँ लगेंगी। लगने के बाद
यहाँ पे मैं एक ये मैंने लूप्स की टाइप बनाया है इस तरह, थोड़ा मोटा सा ये भी मैं लगाऊंगी इस जगह पे बिल्कुल ऊपर करके, ये हम लगाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स ये जो मेरा डिज़ाइन है ये मेरा कंप्लीट होगा। यहाँ पे ये जो पट्टियाँ लगाऊंगी इस पर मैंने यहाँ पे बटरफ्लाई बनानी है, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि ये हम किस तरह से करेंगे। आप सबसे पहले एक साइड ले लीजिए और इस जो कपड़ा है जो मैंने लिया इसके मैंने ये जो पट्टी बनाई है ये पहले आपने जो है सिंगल कपड़ा लेके उसको साइड पे सिलाई लगा के तो इसको हम आपने सीधा कर लेना है बिल्कुल बेल्ट की तरह, जिस तरह से हम एक फ्रॉक के लिए बेल्ट बनाते हैं। इस तरह से ये एक जो है पट्टी उसकी मैं तीन बना रही हूँ। अब आप लगाना शुरू करें। बिल्कुल साथ साथ करके आपने जो पट्टियां लगा देनी है। और सबसे एंड पे हमने ये यूं जो मैंने लूप्स की तरह बनाया था ये मैं यहाँ पे सबसे ऊपर रख के लगाऊंगी। अब सेम इसी तरीके पे हमने इस जगह पे रखना है। एक बराबर रखेंगे हम और यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। ये यूं इस तरह से करने के बाद अब हम सुई में धागा डालेंगे सेम कलर का। और इसको उल्टी साइड से लेके आपने यहाँ से दरमियान से बिल्कुल करके टांके उठाने हैं इस तरह से, और इसको बिल्कुल आपने खींच देना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से जब हम करेंगे तो हमारे पास इसकी एक बटरफ्लाई बन जाएगी। इसको हम टाइटली पकड़ के टांगे लगाएंगे दो तीन और, ताकि ये हमारे पास पक्का हो जाए।
सेम इसी तरह से हमने जो है बाकी की भी जो दो हमारे पास ये हैं पट्टियाँ लगाई थी, हम उसकी भी इस तरह की जो है बटरफ्लाई बना लेंगे। ये देखिए व्यूवर्स, ये जो है मैंने बटरफ्लाइज अपनी कंप्लीट कर ली हैं। ये मैंने तीनों पे टांके लगा के इनको बना लिया है। आप चाहें तो इस जगह पे एक एक छोटे साइज़ का जो है वो पर्ल भी लगा सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये मैं छोटा फ्रॉक बना रही हूँ बच्ची को मुश्किल होगी, मैं इसलिए इस पर कोई पर्ल नहीं लगा रही, ये इसी तरह रहने दूँगी। आप अगर चाहें तो यहाँ पे दरमियान में करके भी एक एक पर्ल जो है सुई की मदद से टांग सकते हैं। ये मेरी बैक साइड जो है वो कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद जो मैं इसकी फ्रंट साइड बनाऊँगी, फ्रंट साइड को ये दरमियान मैंने बनाया हुआ है। इस दरमियान पे फ्रेंड्स ये जो है मैंने गला चिप्स पे काटा हुआ है गला, ये मैं लगाऊंगी। तरह से काटने के बाद आप ये जो नोके होती हैं इस पर हमेशा एक एक छोटा छोटा सा कट लगाया करें ताकि कपड़ा फोल्ड अंदर करने में मुश्किल ना हो। इस तरह से मैंने कर लिया। करने के बाद अब ये जो मेरा गला है वो सीधी साइड से इस तरह से ये इसकी सीधी साइड आ गई। इस तरह से ये देखें ये मेरे पास जो है वो गला मेरा रेडी हो गया है। इसके बाद फ्रेंड्स मैं इसके जो है शोल्डर्स जो हैं वो बैक साइड के साथ अटैच करूँगी। करने के बाद फिर मैं इसकी शोल्डर की कटिंग कंधे की कटिंग करूँगी। करने के बाद फिर हम ये जो कटिंग करेंगे बाजों की, यहाँ पे सेम जिस तरह से मैं हर दफ़ा आपको बताती हूँ अरेब में कपड़ा काट के, इस तरह से अरेब में पट्टी काट के एक सिलाई लगा के उसको नीचे की साइड को फोल्ड करके हम चाहें उस पर तरपाई कर सकते हैं, हम चाहें उस पर सिलाई लगा सकते हैं। ये सब आपकी अपनी मर्जी है, अपने पे डिपेंड करता है कि जिस तरह हमें अच्छा लगे हम उस तरह से इसको कर सकते हैं। ये काम करने के बाद फ्रेंड्स मैं जो है इसकी आपको जो है नीचे के जो घेर होता है उसका मैं उसको तैयार करना बताऊँगी कि किस तरह से मैं इस फ्रॉक का जो घेर है उसको तैयार करूँगी।